सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल निखिल वर्धन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आप जब अपने इंकजेट प्रिंटर को क्लीनिंग करते हैं, मतलब आप अपने इंकजेट प्रिंटर को 4-5 दफ़े क्लीनिंग कर लेते हैं तो बैक साइड से इंक जो है ओवरफ्लो होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो क्यों होता है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप क्लीनिंग करते हैं तो जो कार्टेज है, कार्टेज से जो वेस्ट इंक होता है वो निकल के प्रिंटर के बैक साइड की तरफ एक टैंक बना होता है, उस टैंक में वो जाके फिल होता है। तो फ्रेंड्स, वो बहुत छोटा सा टैंक होता है, जब आप 2-3 दफ़े क्लीनिंग कर लेते हैं तो वो फुल हो जाता है। तो वो फुल हो जाता है तब आप फिर उसके बाद क्लीनिंग करते हैं तो वो पीछे से ओवरफ्लो होता है। तो फ्रेंड्स, इसको क्लीनिंग करने के लिए पीछे से तो एक कवर, छोटा सा कवर दिया होता है, उस कवर को आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा टैंक होता है। तो सिंपली आप उस टैंक को बाहर अपनी तरफ खींचें तो वो बाहर निकल जाएगा, उसके बाद आप उसको क्लीन करके फिर वापस से सेट कर दीजिए। तो उसके बाद से सेट कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वो करके बताऊंगा कि आप कैसे उस टैंक को क्लीन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एप्सन का LX310 मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि आप देखिए इस फ्रेंड्स, ये बैक साइड की तरफ ये जो है कि इंक ओवरफ्लो हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, तो ये आपका देख रहे हैं फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि ये कवर दिया हुआ है यहाँ पे एक छोटा सा। यहाँ देखिए आप बैक साइड की तरफ एक स्क्रू दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो आप इस सिंपली इस स्क्रू को ओपन करके इस कवर को आप पीछे की तरफ स्लाइड करिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर। तो सिंपली आप क्या करिए कि ये जो आप देख सकते हैं ये नट है, तो मैं इसको सिंपली आपको इसको ओपन करता हूँ। तो ये आप धीरे धीरे इसको आप इसको ओपन सिंपली कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये स्क्रू मैंने ओपन कर लिया। अब इसको आप क्या करिए, इसको स्लाइड करिए। तो आप इसको मैं स्लाइड किया, देखिए फ्रेंड्स तो ये ओपन हो गया है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है टैंक। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये है टैंक। और फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी एक नट है, तो इसको भी मैं ओपन करूँगा। तो इसको मैं ऐसे सिंपली इसको भी आप ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको सिंपली आप धीरे धीरे खोल लीजिए। फिर इसके बाद इसको खोल लिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको अपनी तरफ खींचना है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये ओपन हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड, देखिए आप इसमें ये मैंने इसको अभी जल्दी ही क्लीन किया था। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा अभी इंक ही है। तो आप क्या करिए, इसको क्लीन करके और उसके बाद फिर वापस से सेट कर दीजिए। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको जल्दी क्लीन किया था, तो मैं इसको सिंपली मैं इसको वापस लगा देता हूँ वापस से। मैं आप लोग को दिखाने के लिए इसको ओपन किया था, तो मैं सिंपली इसको इस तरह पुश कर अंदर की तरफ पुश करिए तो ये फिर बैठ जाएगा। फिर इसके बाद आपको सिंपली ये स्क्रू आपको इसमें ऐसे सेट कर देना है। फिर इसके बाद से इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको टाइट कर देना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद से आपको इस कवर को ऐसे सिंपली इस तरह इस पर रखना है और इसको अंदर की तरफ दबा देना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये अब एकदम फिक्स हो चुका है। इसके बाद से जो मैंने स्क्रू खोला था, वापस से मैं इस स्क्रू को सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं सेट कर दिया हूँ। इसी प्रकार आप अपने प्रिंटर के, अगर प्रिंटर का आपका इंक ओवरफ्लो हो रहा है तो आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्रिंटर में भी अगर ये प्रॉब्लम है, इंक ओवरफ्लो, अगर पीछे से इंक ओवरफ्लो हो रहा है, तो जैसे मैंने किया वैसे आप भी करके अपने प्रिंटर को सही कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।